शंघाई में कोरोना के हालात बेकाबू हैं, लोगों को खाने पीने के सामान भी नहीं मिल रहे। ऐसे में सरकार ने शहर में और शक्ति को बढ़ा दिया है। सरकार ने महामारी को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। सरकार की नीतियों के चलते आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल पा रही, जिससे वो बहुत गुस्सा में हैं। और सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां लोग अपने घरों का खिड़की और बालकनी से चीख चिल्लाकर और नारे लगाकर सरकार के इस लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। कुछ वीडियो सरकार के आदेशों पर भी वायरल हो रही हैं, जिससे यह पता चल रहा है कि चीन की सरकार अपने नागरिकों पर कितना सख्ती कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शंघाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें शाम के वक्त लोग अपने घरों के बालकनी में खड़े होकर चीख और चिल्ला रहे हैं। शंघाई के करीब 2.5 करोड़ वाली आबादी के शहर के लोगों को खाने पीने के साथ मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, जिससे लोगों में काफ़ी डर और गुस्सा है। वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे लोग अपनी बालकनी से नारे लगा रहे हैं। इसके बाद चीनी सरकार ने ड्रोन के जरिए मैसेज भेजा कि लोगों को शांत रहने की बात कही जाए। चीनी सरकार द्वारा इस फरमान वाले मैसेज में कहा गया है कि आज़ादी की चाह पर काबू रखो और गाना गाने के लिए अपनी खिड़कियां मत खोलो। इस तरह का व्यवहार महामारी को और फैला सकता है। एक और रिपोर्ट्स में यह बात निकलकर सामने आई है कि चीन सरकार ने विरोध कर रहे लोगों को आज़ादी के लिए ज़्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है कहा है।